हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का, इंट्रोडक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कैसे कि जो वर्गीकरण हुआ, यानी कि टैक्सोन, टैक्सोनोमी, टैक्सोन यानी कि पद, इसे हम पद कहते हैं। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था वह किस आधार पर वर्गीकरण दिया था? तो उसने ट्वी किंगडम थ्योरी दी, यानी कि द्वि जगत प्रणाली, या फिर ट्वी किंगडम का क्लासिफिकेशन, ये दो भागों में बांट दिया 1758 के अंदर। 1758 के अंदर कैरोलस लीनियस ने दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटने के साथ ही पहला नाम रखा प्लांटिया, दूसरा रखा एनिमेलिया। हम इसे प्लांट और एनिमेलिया भी कह सकते हैं, बट ये दो भागों में उस टाइम जब बांटा था तो नाम यही था, प्लांटिया और एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्राणियों को दो जगत में बांट दिया कैरोलस लीनियस ने। तो 1758 के अंदर जो पहला वर्गीकरण जो दिया गया था वो था, वर्गीकरण जो दिया गया था वो था कैरोलस लीनियस का। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो इन्होंने वर्गीकरण जो किया कैरोलस लीनियस ने, वो वर्गीकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर किया। जैसे कि बायनोमी कल्चर के बारे में हम बात करते हैं कि नोमी कल्चर के आधार पर इन्होंने, द्विनाम पद्धति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। और सबसे पहले द्विनाम पद्धति में क्या था? द्विनाम पद्धति में था, पहला था जीनस, यानी कि पहला था जीनस, दूसरा था स्पीसीज। ठीक है, पहला नाम स्पीसीज का, सेकंड नाम स्पीसीज का, और पहला नाम जीनस का। और दोनों का नाम, जीनस को कैपिटल में लिखा था इन्होंने लेटर में और स्मॉल में, ये तो मैं बाद में बता दूंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं ये क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का नाम दिया था 1758 में दिया था, ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन्होंने दो भागों में बांट दिया, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने जो हम प्राणी और पादपों का जो वर्गीकरण करते हैं, ये वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हेरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। हेरार्की इस जो ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसे हेरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि हेरार्की क्या है, क्लासिफिकेशन और अदर ऑप्शन दिए गए, हेरार्की क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? तो लोग बात सोचने लग जाते हैं कि हेरार्की का कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो ये है हेरार्की का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे हेरार्की क्लासिफिकेशन कहते हैं। किंगडम को क्या कहते हैं? जगत, और संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, और ये लास्ट में जो मैं लिख रहा हूँ जाति, एक बार आप इसे लिख देता हूँ क्योंकि जो बताने की बात यही है, जगत और ये थी जाति, थोड़ा लिखने में तकलीफ हो सकती है। तो ठीक है, आप एक बार आप इसे देख लीजिए, जगत और जाति। इसे समझ लीजिए एक बार। देखिए, जगत और जाति के अंदर जो हम देते हैं, जाति यानी स्पीशीज की जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन रे ने, जॉन रे। ठीक है, स्पीशीज का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन रे ने। और वर्गीकरण की जो इकाई है वो होती है प्रजाति, यानी कि जो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो होती है स्पीसीज, प्रजाति या जाति, एक ही बात है। किंगडम, किंगडम के अंदर हम जैसे जगत लिखते हैं, ये सबसे बड़ी इकाई। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? प्रजाति।
जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर क्लास और स्पीसीज। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सब स्पीसीज या सब फाइलम या सब क्लास क्या होती है। वो जो सब फाइलम, सब स्पीसीज या सब क्लास होती है, सब जिसके आगे लगता है, यानी कि अतिरिक्त, जो सब लगता है अतिरिक्त, यानी कि ये लगता है जो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर जो अपर लेवल के, यानी कि आप ये समझ लो कि जो हायरली बड़े, यानी कि लार्ज लेवल पे जो आते हैं, जो जिनके ना जिनके लिए मिडिल नेम क्या जो लगाते हैं, जैसे कि जनन प्रजाति के लिए लगाते हैं। और ये और यहाँ पर एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज आती है, सब स्पीसीज आती है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि जो उच्च स्तरीय जीव हैं उनके अंदर सब स्पीसीज लगाई जाती है, ठीक है, जिनका क्लासिफिकेशन और आसान हो जाए, ठीक है, उनके अंदर अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर सब स्पीसीज इसीलिए लगाई जाती है कि उच्च स्पीसीज यानी उच्च जातियों के अंदर उनकी अलग अलग जाति, उनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके लिए सब स्पीसीज लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जाति, जाति क्या करती है। जाति करती है अपने समान संस्तति उत्पन्न करना, यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, ठीक है। किंगडम जो सबसे लार्ज स्केल पर आता है, जिसे जो सबसे बड़ा आता है किंगडम, जो सबसे लार्ज स्केल पर आता है, स्पीसीज का जो सबसे स्मॉल पद है स्पीसीज, और सबसे बड़ा पद आता है टेक्सॉन का, क्या आता है किंगडम, ये सबसे बड़ा पद, पद यानी टेक्सॉन, ठीक है। ये जो टेक्सॉन है सबसे बड़ा पद आता है। अब हम बात करते हैं कि जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में जो सुपर क्लास जो ऐड किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि अधिक विविधताएं पाई जाती है, इसी कारण सब क्लास ऐड किए जाते हैं। मेनली जो होता है वो यही होता है, और इनका ही ऑर्डर आपसे, यानी कि सही क्रम में जमाए ये पूछा जाता है। बहुत बार क्या हो गया, क्वेश्चन आता है कि इन्हें सही क्रम में जमाइए, वो आपको इन्हें ऊपर नीचे दे देते, जैसे ऑर्डर को यहाँ दे दिया जीनस के यहाँ, फिर इनको कह देते हैं कि सही क्रम से जमाइए, निम्न में से सही क्रम में जमाए, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इनमें से, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, तो जंतुओं जगत के जो क्लासिफिकेशन है का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं, या फिर हम ये समझ लो कि हम कितने प्रकार पर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो जैसे बायोगनोसिस्ट एच हर्नेस्ट हैकल, हर्नेस्ट हैकल का क्या था, पहले था प्लांट, ठीक है, प्लांट, फिर था एनिमल, इन्होंने तीन जगत प्रणाली दी थी। क्या था अर्नेस्ट हैकल का, प्लांट, ठीक है, एनिमल और प्रोटिस्टा, ये था इनका। पर देखो, प्लांट में दे दिया, एनिमल और प्रोटिस्टा, इन्होंने तीन भागों में बांट दिया अर्नेस्ट हैकल ने 1894 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं रॉबर्ट वी टेकर, इनकी पांच जगत प्रणाली आपको पता ही है, जो मैं बता देता हूँ आपको कि प्लांट्स में, एनिमिलिया में, इनको इन्होंने पांच जगत प्रणाली क्या थी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांट्स, इनके लिए मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कॉल वॉसे लीनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉल वॉसे जिन्होंने दिए थे, उन्होंने दिया था 1977 में, जो थ्री डोमेन, थ्री डोमेन, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो था थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन था इनका, थ्री
तीन जगत प्रणाली वाला नहीं था, ये थ्री डोमेन अलग से क्लासिफिकेशन है। थ्री डोमेन का मतलब क्या है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि थ्री डोमेन का मतलब दोस्तों ये है कि थ्री डोमेन यानी कि कॉलोसी लिनियस ने बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, इसलिए इनका जो वर्गीकरण है वो तीन डोमेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तीन डोमेन क्लासिफिकेशन है, इन्होंने तीन जगत में बांट दिया इसलिए ने थ्री नो। अब आप याद रखना कि थ्री डोमेन जो क्लासिफिकेशन है वो कॉल वॉसेल लीनियस का है, 1977 का कॉल वॉसे का है। और जो अर्नेस्ट हेकल है, अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत प्रणाली दी थी 1894 में। उसके अंदर क्या क्या था? प्लांट था एनिमल था प्रोटिस्टा, ये तीनों को उसके अंदर क्लासिफिकेशन उसने किया था। अब आगे चलते हैं। हाँ, फाइव किंगडम थ्योरी में क्या होगा कि सबसे पहले फाइव किंगडम थ्योरी में बैक्टीरिया आएगा। देखो ये एक पेड़ सा बन रहा है, ठीक है ना, तो जो सबसे नीचे यानी कि यूँ समझ लो कि सरल से हम जटिल की ओर जा रहे हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो बैक्टीरिया यानी कि आदि प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे प्रिमिटिव आदि प्रकार के ये आएंगे। उसके बाद आएंगे प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, डबल सेल ऑर्गेनिज्म बना, फिर फंगी, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कौन आएगा? तो क्लासिफिकेशन ये हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल। ये सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, फाइव किंगडम ऑफ थ्योरी के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांट और एनिमिलिया। इनका विस्तार से हम जो अध्ययन है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ये इंट्रो क्लास है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्होंने किस आधार पर, जो वी टेकर ने किस आधार पर, क्या वी टेकर ने किस आधार पर ये जगत बना ली थी? तो पहला था सेल। ठीक है, सेल यानी कि सेल सेल का मतलब यह कि पहला की एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या फिर बहु कोशिकीय। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक, जैसे अपन करते ना कि अपन ने अंतर करने हैं, तो किस आधार पर, क्या बेस रखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमिलिया को डिवाइड करने का? तो सबसे पहले सेल यानी कि सेल कौन सी है, बहु कोशिकीय है या एक कोशिकीय है, इसके आधार पर उन्होंने उन्होंने डिवाइड किया। सेकंड टर्म क्या थी ये नोट करने का, सेल कैसी है, अगर सेल है तो सेल कैसी है, किसी भी जीव में सेल है तो सेल है कैसी। यूकेरियोटिक, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले रखा कि सेल एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। सेकंड इज कि सेल कैसी है, यूकेरियोटिक है या प्रोकेरियोटिक। अब यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकेरियोटिक का मतलब यू यानी कि ट्रू, जैसे जब भी अब एक वर्ड आता है आपके सामने कैरियोटिक, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यूकेरियोटिक यानी कि जिनके अंदर ट्रू यानी कि स्पष्ट केंद्रक हो, ट्रू केंद्रक हो, केंद्रक स्पष्ट हो, इन्हें कहते हैं यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि पहले केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो थर्ड बेस आता है कि तीसरा क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम, किसी काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स है, इस काम के लिए उन्होंने इसके ऊपर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के आधार पर यानी कि हम ये देख सकते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म,
यानी कि जैसे एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, आप अमीबा का उदाहरण ले लो, ठीक है। अमीबा में सारा श्वसन, रेस्पिरेशन, यानी कि उसका फूड पादों द्वारा अंदर भोजन ग्रहण करना, सब एक ही सेल कर रही है, सिंगल सेल। और लेकिन जब यहाँ पर आते हैं हम, जैसे कि ह्यूमंस आ गए, ठीक है, जब जैसे कि यहाँ पर आ गए हम, ह्यूमंस आ गए, ह्यूमंस में सारे काम अलग अलग करता है। अलग अलग कौन करता है? सारे अपने ऑर्गेजम करते हैं, जैसे कि अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर अलग से पूरी नाल बनी हुई है, जैसे हार्ट की सेल्स अलग है, सारी सेल्स अलग है, जैसे पैर की सेल्स अलग है, हाथ की सेल्स अलग है। तो सेल अपना अपना मुख्यतः अलग अलग काम करती है, तो इसे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के आधार पर इन्होंने तीसरा वर्गीकरण किया था। चौथा था न्यूट्रिशंस के आधार पर, ये आप नोट कर लीजिएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशंस। अच्छा हाँ, यानी कि पोषण के, न्यूट्रिशंस के आधार पर, न्यूट्रिशंस के आधार पर इन्होंने एक तो भागा, एक तो एक दो भागों में बांटा, एक तो ऑटो ट्रैफिक, दूसरा हेटेरो ट्रैफिक। पहला क्या था? ऑटो ट्रैफिक, दूसरा हेटेरो ट्रैफिक। ऑटो ट्रैफिक कौन होते हैं? यानी कि अपने स्वपोषी, ठीक है, दो भागों में बांटा, दो भागों में क्या था? पहला था ऑटो ट्रैफिक, ये पहले पढ़ लेते हैं, ऑटो ट्रैफिक, स्वपोषी। स्वपोषी में कौन? जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, ये आते हैं ऑटोट्रॉफिक में। पहले देख लीजिए दो भागों में बांटा है, फिर से सुन लीजिए कि चौथे जो डिवीजन रहा उसमें न्यूट्रिशन के आधार पर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में डिवाइड किया। ऑटोट्रॉफिक जो था स्वपोषी, स्वपोषी स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले, वो कौन थे? बैक्टीरिया और प्लांट्स, ठीक है। अब आते हैं हेटेरो ट्रॉफिक, ठीक है, ये होते हैं परापोषी। थोड़ा 20 मिनट हो गया, परापोषी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग एनिमल्स या एनिमेलिया, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं पूरे पूरे, उसने कहते हैं परापोषी यानी हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अब पांचवा इससे मिलता जुलता ही है, पांचवा मतलब ये है कि पांचवा में अगर ऑटोट्रॉफिक है, ऑटो ट्रॉफिक है, तो कैसे भोजन बनाएगा? तो भोजन का निर्माण कैसे करेगा? अगर ऑटोट्रॉफिक है तो भोजन का निर्माण कैसे करेगा? इन आधार पर फाइव किंगडम थ्योरी दी गई और वी टेकर ने दी गई। तो वी टेकर की फाइव किंगडम थ्योरी के अंदर क्या क्या आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया, ये पांच जगत आते हैं, इसलिए इसे पांच जगत प्रणाली यानी फाइव किंगडम थ्योरी भी कहते हैं। हमारी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बायोलॉजी के ऐसे सेशन में लाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।